सारा टारगेट फोन पर मत माइक है, किसी और का डर तो है नहीं, इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी, इंशाल्लाह हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बताने के लिए आगे लाएंगे। कल अमित शाह कह रहे थे ये जो भी कांग्रेस और नेशनल के दरमियान गठबंधन हो गया है ये एक पर्टिकुलर फॉर टाइमिंग के लिए, बाकी जो भी है वही पुराना होगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जाने दी है। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। जम्मू को काफी कंट्रोल में लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कल अमित शाह था, 14 को प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। देखिए कश्मीर को सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ जब 370 ले गए क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है, उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। डॉक्टर साहब कल होम मिनिस्टर ने कहा है कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड वापस दे सकती है और ना ही कांग्रेस बीजेपी वापस दे सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो आएगा दिन हमें पूरी पूरी जो है स्टेटहुड वापस मिलेगा। बस